खेती किसानी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कृषि विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। गांव-गांव और खेत के पास तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने पर किसान अपनी उपज को कुछ समय रोक कर बाद में वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सम्मेलन में कृषि संबंधी केंद्र की योजनाओं की प्रगति संघ राज्य क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बताई गई। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को वित्तीय मदद के लिए प्रधानमंत्री के इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसमें अभी 14 लाख करोड़ रुपए का किसान उपयोग कर रहे हैं। फरवरी 2020 में शुरू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के बाद से साल भर में राज्य व बैंकों के सहयोग से 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र व केंद्र सरकार एक ही परिवार है, वहाँ योजनाओं का सुचारू संचालन होगा तो सभी राज्यों को बेहतर क्रियान्वयन करने में ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पारदर्शिता की अनूठी मिसाल है, जिसके तहत 11.37 करोड़ किसानों ने 1.58 लाख करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, ना ही अमानत में खयानत। यह बदली हुई व्यवस्था में टेक्नोलॉजी की सहायता से संभव हुआ है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।